इसलिए चंगियाई पाने से पहले और बाद हमें क्या करना है, यह बहुत जरूरी है। चंगियाई पाने से पहले और बाद हमें क्या करना है, समझ आई? उसकी हर आज्ञा को मानना है, रेगुलर संगति करनी है। क्या करनी है? रेगुलर संगति करनी है और बने रहना है। परमेश्वर का भय मानना है। क्या मानना? भय। और अपनी बुद्धि नहीं लगानी, अपनी समझ नहीं लगानी। बोलो, जब तक आपका काम होता नहीं, आपको चंगाई मिलता नहीं, चंगाई आपको मिलती नहीं जब तक, तब तक आपने रेगुलर बने रहना है। किसके साथ? जब तक आपकी हो नहीं जाती वो चीज। अपने रोज रोज धन्यवाद करना है, अपने मुंह से अपने जीवित बलिदान चढ़ानी है परमेश्वर को, और ये विश्वास करना है कि यस परमेश्वर, आप मेरे लिए ये कर चुके हो। रोज रोज क्या करना है? रोज रोज धन्यवाद करना है कि ये मेरे लिए हो लिया। आपके पत्थरी है, रसौली है, आपसे चला नहीं जाता, आपके घुटने काम नहीं करते, आपकी आंखों से आपको नजर नहीं आता, आपको कानों से आपको दिखता नहीं। वो आई आज जो दोनों बहनें घूंगी थी, हाँ आई है। अगर ऐसे बने रहेंगे, ऐसे विश्वास से बने रहेंगे, परमेश्वर ताकतवर का परमेश्वर, वो अभी भी करने की ताकत रखता है। पर चंगियाई पाने से पहले हमें उसकी इच्छा में बने रहना है, उसकी इच्छा को जानना वो क्या चाहता है। जब काम हो गया, फिर ये नहीं कि बस हो गया, अब उसकी जरूरत नहीं। बोलो, अभी काम हो गया, अभी उसकी जरूरत नहीं। फिर भी लिखा, जिस परमेश्वर ने आपको आजाद किया उस प्रॉब्लम में, उस दुख से, अपनी उसकी आजादी में, जिसने आपको आजाद किया, स्थिर रहना, बने रहना है। क्या रहना है? ऐसे नहीं है कि जब काम हो गया तो फिर आने की जरूरत नहीं है, फिर महीने में एक बार आओ। बोलो, ये ऐसे नहीं करना। जब तक काम हुआ नहीं, तब तक भी आपने बने रहना, और जब हो भी गया, आपको पता यीशु मसीह ने जब 38 साल के रोगी को चंगा किया, उसने कहा देख तू अच्छा हो गया। क्या हो गया? दोबारा कोई पाप ना करना। और सबसे बड़ा पाप आपको पता क्या है? किसको प्रेम ना करना, किसको प्रेम ना करना? अपने परमेश्वर को। यह सबसे बड़ा प्रेम पाप है, समझते हो? इसीलिए मसीह लोग आज ज्यादा क्यों उन्नति में नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की बातों को अच्छे से समझते नहीं, जानते नहीं कि हमें अपनी लाइफ में, अपने जीवन में करना क्या है। और जो समझ जाएंगे, देखना उनके जीवन कैसे होंगे। बाइबल में लिखा वो तारों जैसे चमकेंगे। बोलो, जो खुद उसकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं और दूसरों को सिखा रहे हैं, खुद उसकी रोज रोज इच्छा को पूरा कर रहे हैं और साथ ही साथ वो दूसरों को भी बता रहे हैं, बाइबल में लिखा वो तारों के समान चमकेंगे। क्या चमकेंगे? जो खुद तो कर रहे हैं पर वो दूसरों को भी बता रहे हैं, जो दूसरे लोग दुखों में उनको भी बता रहे हैं, क्योंकि उनका विश्वास ये नहीं, अभी अभी मेरा काम हुआ नहीं, मैं कैसे बताऊं, मुझे बच्चा मिला नहीं है, मुझे घर मिला नहीं, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, मेरा लीवर सही नहीं हुआ, मेरी कैंसर गई नहीं, मैं लोगों को कैसे बताऊं? वो पहले संदेह में, शक में, तो कैसे होगा काम? बोलो, कैसे होगा? क्योंकि पहले उनके मन की सोच, और शैतान जानता है, अभी ये विश्वास नहीं करते, फिर वो छोड़ेगा नहीं। बोलो, किसे वो छोड़ेगा? जो अपनी सारी चिंता बोझ किसे दे चुका है, किसे दे चुका है, उसे छोड़ेगा। जो सोच रखकर बैठे हैं अपने मन के अंदर और दूसरों को बताने के लिए उनका मन उन्हें दोष दे रहा है कि नहीं मेरा तो अभी काम हुआ नहीं, मेरे तो दर्द है, मेरे तो ये है। अगर आपसे कोई भी पूछे अब झट से उत्तर दो, मैं बिल्कुल अच्छी हूं, मैं बिल्कुल अच्छा हूं। चाहे आपके आपके कुछ भी आपके साथ ऐसा है, पर अपने दिलेरी से बोलना। क्या करना है? जब आप ऐसे बोलते हो, किसको थप्पड़ लगता है? क्योंकि शैतान अपनी युक्ति में आपको फंसा रहा है,
पर यह वचन को भूलकर आप किसको थप्पड़ मार रहे हो? यीशु मसीह ने हर वचन का आंसर वचन से शैतान को दिया और लिखा उसे छोड़कर शैतान भाग गया। आमेन, हालेलुया। उसे वो छोड़कर भाग गया, समझते हो? इसलिए आपने भी ऐसे करना, चंगाई पाने से पहले और बाद अपने परमेश्वर की हर उस आज्ञा को और उसकी इच्छा को मानते रहना है। बोलो, नाम मानने की वजह से कुछ लोग डिलीवर हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, पर फिर वो फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं है, नियम का पता नहीं। इसलिए दोनों चीजें ये जरूरी हैं, पाने से पहले और पाने के बाद भी अपने ये चीजें करनी है। ठीक है, ओके, तैयार हो? ऐसे तैयार हो? आमेन।